एवरीवन आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ सो टुडे इन पी पेज नंबर 69 वी विल डू अ स्टोरी आपको सिर्फ स्टोरी को सुनना है अच्छे से और उसके बाद आपको स्टोरी को ट्राई करना है रीड करने का ठीक है और उसमें आज आपको जो हमारा मॉरल है स्टोरी का वो ये है कि आज आपको एनिमल्स की साउंडस के बारे में हम स्टोरी में बताएंगे कि कौन से एनिमल की क्या साउंड होती है आपको ध्यान से सुनना है और ऑब्जर्व करना है कि सच में ये एनिमल ऐसे ही बोलते हैं ठीक है तो इसमें एक पपी है छोटा सा उसकी एक मम्मा है वो उसको सिखाती हैं बाग करना कैसे जो डॉगीज़ होते हैं वो कैसे बाग करते हैं कैसे उनकी लैंग्वेज होती है तो अब आज हम वो सीखेंगे और uh, कैसे वो अपनी मम्मा को परेशान करता है उसकी मम्मा कैसे गुस्सा हो जाती है तो वो आज हम इस स्टोरी में करेंगे सो ओपन योर पेज नंबर सिक्सटी नाइन विच इज़ दिस बार्क जॉर्ज सो जॉर्ज क्या है इसमें डॉगी का नेम है ठीक है जो uh, जो छोटा सा पपी है उसका नेम है जॉर्ज और उसके साथ है उसकी ममा ठीक है तो वन डे जॉर्ज मादर सेड बार्क जॉर्ज तो वन डे क्या होता है एक जॉर्ज की मम्मा आती हैं उसको सिखाती हैं कि बार्क करो जॉर्ज तो वो जॉर्ज को बार्किंग नहीं आती है तो वो उसकी मम्मा बताती हैं कि कैसे bark करना है तो जॉर्ज क्या कहता है बट बट जॉर्ज सेट meow so, सो आप सबको पता है कि जो डॉग्स होते हैं वो meow नहीं करते हैं तो meow कौन करता है कैट्स करती हैं राइट कैट गो मिया बट डॉग तो डॉग क्या करते हैं वूफ तो ममा ने उसको बताया जॉर्ज को कि जॉर्ज जो डॉग होते हैं वो बार्क करते हैं या वुफ करते हैं ठीक है नाउ बार्क जॉर्ज सी शी एडेड तो उन्होंने कहा कि नाउ अब आप बार्क करो जॉर्ज बट जॉर्ज क्या करता है जॉर्ज वेंट क्वैक क्वैक तो उसकी मम्मा कहती हैं नो जॉर्ज सेड जॉर्ज मामा एंगेली तो उसकी मम्मा गुस्से से कहती हैं नो जॉर्ज जो डक्स हैं डक गो क्वैक बट डॉक्स इज वूफ नाउ बार्क जॉर्ज तो उसकी मम्मा को गुस्सा आ जाता है कि मैं इसको समझा रही हूँ उसको समझ नहीं आ रहा है तो ड, जो क्वैक होता है वो डक्स करती हैं ठीक है डॉग्स क्या करते हैं वूफ

तो आपको आपको क्या करना है वुफ तो जॉर्ज की मामा उसको सिखाती हैं बट अगेन वो मिस्टेक कर देता है तो उसके बाद जॉर्ज कहता है उसकी मामा उसको कहती हैं कि नाउ बार्क अगेन तो जॉर्ज सेड मू तो मदर सेड नो जॉर्ज काउ गो मू बट सेज वुफ प्लीज बार जॉर्ज तो जो डॉग है कभी पिक्स की आवाज निकाल रहा है कभी काउ की आवाज निकालता है कभी डक्स की आवाज निकालता है कभी कैट की आवाज निकालता है उसकी मम्मा से आड़ हो जाती है। तो वो सरप्राइज करता है अपनी मम्मा को कैसे सरप्राइज करता है टू हर सरप्राइज टाइम जॉर्ज इज जॉर्ज वुफ वार्क अगैन मदर सेड मदर क्या कहती हैं दोबारा से बात करो तो जॉर्ज कैसे करता हैगेन जॉर्ज मदर वॉज वेरी हैप्पी इट वॉज नॉट द साउंड ऑफ अ कैट अ डक अपिग अकाओ इट वॉज द साउंड ऑफ अ डॉग तो जॉर्ज की ममा कहती हैं वेरी गुड उसकी ममा बहुत हैप्पी हो जाती हैं जब आप भी कुछ अच्छा सा काम करते हो आप भी मम्मा की पसंद का काम करते हो तो मम्मा भी क्या हो जाती हैंप्पी हो जाती हैं राइट right? तो इसी तरीके से जॉर्ज ने अपनी ममा को सरप्राइज़ किया उन्होंने बाग किया और अपनी मामा को हैप्पी कह दिया तो वो कौन करता है डॉग्स करते हैं ठीक है सो so आज हमने इस स्टोरी में अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग साउंड्स को सीखा है आपको इस स्टोरी को घर पे अपने आप रीड करना है समझना है और ट्राई करना है कि वर्ड्स को आप ज्वाइन करके पढ़ो ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन बेबी